हाय, आज हम बनाएंगे वेरी सिंपल और टेस्टी चिकन डीप फ्राई। आप इसको चावल के साथ या फिर बिरयानी के साथ साइड डिश के जैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं प्लेन, तो थोड़ा सा चाट मसाला इस पे छिड़किए, थोड़ा सा सॉस लगा सकते हैं या फिर ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले एक बाउल में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टेबल स्पून चिकन मसाला पाउडर है, आप गरम मसाला भी ले सकते हैं, ये 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून साल्ट डाल देंगे, सारे ड्राई आइटम्स एक बार मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे, मैं यहाँ पर डार्क वाला ले रही हूँ, आप चाहे तो टोमेटो सॉस स्किप करके, सोया सॉस भी स्किप करके नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, हमें थिक बैटर बनाना है। अब इसमें एक एक ब्रेक करके डालेंगे। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे, वाटर हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने डार्क सोया सॉस डाला है, इसीलिए आप देख सकते हैं कलर ये थोड़ा सा डार्क हो गया। आप चाहे तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 विंग्स ले रही हूँ, मैंने वाटर बिल्कुल भी नहीं डाला, अंडे को बीट करने से आया हुआ वाटर है ये। इस तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। अब इसको हम फ्रिज में रख लेंगे, एटलीस्ट 1 आवर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ पर 1/2 kg चिकन ले रही हूँ, इसको मैंने मिला लिया है। अब इसको हम 1/2 आवर के लिए मैरिनेट कर, 1/2 आवर मैरिनेट करने के बाद हम पहले चिकन जॉइंट्स, अगर आप ले रहे हैं तो डीप फ्राई के लिए इस तरह डाल दीजिए, अगर जॉइंट्स नहीं है तो सारे पीसेस एकदम से डाल सकते हैं, क्योंकि जॉइंट पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं पहले जॉइंट्स को तल रही हूँ। इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर जब तक अंदर तक पकना जाए तब तक पका लेंगे, मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से लो फ्लेम पर एडजस्ट करते हुए पकाइएगा, तभी अंदर तक पक जाएगा। ये देखिए लगभग 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी बन चुका। इसको थोड़ा सा कट करके देखिए, अगर आसानी से कट हो गया तो ये पक चुका। अब इसको हम इस तरह से टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे और यही प्रोसेस बाकी के पीसेस से भी कर लेंगे इसी ऑयल में। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे और टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, जैसे हमने लेग पीसेस को किया था। इस तरह से एक सर्विंग बाउल निकालेंगे, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। बन गया हमारा चिकन डीप फ्राई। ट्राई जरूर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।